असलम विवर्स आई मिसा सईदुल्ला खान विवर्स टुडे आई ब्रॉड सम फ्रेज़ विच इस्टार्ट विद आउट यानि जो स्टार्ट होते हैं दर्ड आउट कुछ ऐसे रोज़मर्रा के माहौर और फ़्रे हैं जो कि हमें यानी कि आउट से शुरू होते हैं और हमारे लिए बहुत मुफीद है दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू ओके ना इस्टार्ट द फस्ट फ्रेज़ वो फकरे जो लफ्ज़ आउट से शुरू होते हैं देखिए नंबर वन नंबर वन इज़ आउट ऑफ फैशन आउट ऑफ फैशन आपने सुना होगा ये वर्ड्स मीनिंग क्या है इसके पहले मीनिंग देख लीजिए आउट ऑफ वर्ड्स की मीनिंग है अनपॉपुलर एंड नॉट कंसिडर टू बी एट द टाइम ऑफ इन क्वेश्चन यानी एक ऐसा फैशन एक ऐसी चीज़ जो फैशन से आउट है अनपॉपुलर है उस चीज़ की मीनिंग को हम उस चीज़ को हम आउट ऑफ फैशन कहते हैं नाउ लुक एट द सेंटेंस इसमें जुमले भी बना दिए मैंने ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो सेंटेंस देखिए इसमें लिखा हुआ है ये जो है बेल बॉटम है ये वर्ड ठीक है ना ये अब आपको सारा सही नज़र आएगा ये यस yes. ये लिखा हुआ है बेल बॉटम जीन्स वेंट आउट ऑफ फैशन आउट ऑफ फैशन डिकेड्स अगो यानी बेल बॉटम एक जीन्स एक पेंट होती थी अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए तो आउट ऑफ फैशन जो ये फ्रेज है ये इसमें इस्तेमाल हुआ है तो जो आउट ऑफ फैशन का पहला सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया उम्मीद ही ये समझ आया होगा यस सी नंबर टू नंबर टू इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के क्या मीनिंग होते हैं ये भी देख लीजिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग होते हैं टू यूज ओनली पार्ट ऑफ समथिंग सम डेट समट सो दैट द ओरिजिनल मीनिंग चेंज यानि उस कॉन्टेक्स से उस पेराए से हट कर कोई बात हो तो हम कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अब जैसे इसका सेंटेंस है हमारे पास इन ग्रामर एक्सप्लेनेशंस विच फॉलो ईच डायलाग एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द डायलॉग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टुड यानी वो एग्ज़ाम्पल्स जब हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रामर को जो फॉलो करते हैं डायलॉग वो ऐसे डायलॉग होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से लिए जाते हैं नेक्स्ट नंबर थ्री आउट ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर के जो मीनिंग होते हैं वो ये होते हैं कि जनाब ये स्पेशली डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई आलात वग़ैरह के लिए कोई मशीनरी के लिए जैसे हम कह सकते हैं जिसकी मीनिंग होते हैं नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है। कहते हैं, out of order. अब देखिए टेलीविजन इस वक्त खराब है, यह है काम सही नहीं कर रहा हैड आउट ऑफ हैंड के जो मीनिंग होते हैं वो हैं नॉट अंडर कंट्रोल जो किसी के कंट्रोल में ना हो अब देखिए सेंटेंस सेंटेंस इसका है थिंग्स वर गेटिंग बिट आउट ऑफ हैंड आउट ऑफ हैंड का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ हैंड एट द पिकट लाइन पिकट लाइन एक बॉर्डर होती है एक रस्सी होती है जो बांध दी जाती है जैसे स्ट्राइक वगैरह होती है तो लोगों लोग का हुजूम होता है उन हुजूम के आगे एक रस्सी सी बांध दी जाती है उसको पिकट लाइट लाइन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हैंड ऑफ आउट ऑफ हैंड का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ओके नाउ नेक्स्ट नंबर फाइव आउट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक का मतलब यह होता है कि वो चीज़ इस वक्त कम हो गई है कम पड़ गई है स्पेशली चीज़ों के लिए कहते हैं अन अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन आ शॉप एक शॉप पर उस वक्त फौरी तौर पर सेल करने के लिए चीज़ कम पड़ गई शॉर्टेज हो गई जिससे हम कह सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक अब सेंटेंस देख लीजिए द स्मार्ट वॉच इज़ आउट ऑफ स्टॉक फॉर द मोमेंट ओके नेक्स्ट नंबर सिक्स आउट ऑफ ब्रेथ आउट ऑफ़ ब्रेथ इसकी मीनिंग होते हैं gasping ऑफ एयर टिपिकली आफ्टर एक्सरसाइज यानी हाँपना सांस लेते लेते थक जाना जिसे हम उर्दू में हाँपना भी कहते हैं अब देखिए इसकी मीनिंग ही सेंटेंस देखिए ही अराइव ऑन द टॉप फ्लोर आउट ऑफ ब्रेथ वो जब सेकेंड टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो वो सांस भर रहा था मतलब हाँप रहा था तेज तेज सांस ले रहा था नेक्स्ट नंबर सेवन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ साइट का मतलब होता है आंखों से ओझल हो, हो जाना मतलब नॉट विजिबल जो नजर ना इसके लिए तो एक प्रोवर्ब भी मशहूर है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड सेंटेंस हमारे पास शी सॉ द कार वॉज आउट ऑफ साइट उसने उन्हें देखा और हाथ हिलाती रही जब तक कि कार वहां से उसकी नजरों से गायब ना हो गए ओके नेक्स्ट नंबर एट आउट ऑफ प्रैक्टिस जो चीज़ आपके यूज में ना आ रही हो प्रैक्टिस में ना हो नॉट करेंटली प्रोफिशेंट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी एक खास एक्टिविटी में इतने प्रोफिशेंट ना होना फ़िलहाल उसे कहते हैं आउट ऑफ प्रैक्टिस जैसे सपोज सेंटेंस आप लिख सकते हैं ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस एट इंट्रागेशन वो अभी इंट्रोगेशन में प्रैक्टिस में नहीं है ठीक है इंट्रोगेशन का होता है जवाबदेही सवाल जवाब करना आ, एंकर वगैरह कोई सवाल करते हैं तो उसे कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ पाइटी आउट ऑफ पिटी सॉरी आउट ऑफ पिटी आउट ऑफ पिटी का मतलब ये होता है सिंपैथी और सोरो फेल्ट फॉर द सफरिंग्स ऑफ अदर मतलब किसी पर रहम आना ठीक है आउट ऑफ पिटी अब देखिए इसमें सेंटेंस

Disgruntled postal worker stole hundreds of people's private letters after being fired and began posting them online out of spite. I think so, you have understood. I think so, you have understood these 10, uh, these ten uh, phrases. आ, वो जो आउट ऑफ आउट से शुरू होते हैं आज आपने इस पढ़े इन भी और भी बहुत सारे सिर्फ टेन नहीं है मोर देन टेन है इन नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें आपको आपके लिए लेकर आऊँगा मैं इनशाला अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर भी ज़रूर कमेंट कीजिए ओके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे जिस हद तक कन्वे कर सकते हैं इस मैसेज को इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ फ़ी एमान